सावधान समाधान। समय हो गया है। एक छोटा सा प्रश्न मेरे पास आया था, वो प्रश्न भी बहुत अच्छा है। भवानुगामी ज्ञान किन कारणों से प्राप्त होता है? जाति स्मरण वगैरह, पिछले जन्म का ज्ञान साथ में इस जन्म में आ जाए तो किस कारणों से होता है? जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में साधना, व्रत नियम ईमानदारी से पूर्ण किए हैं, ईमानदारी के साथ जिया है, तो अगले जन्म में उसके वो संस्कार, उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त साथ चलती है। छोटी सी बात आपसे कहूँ, मैं भिलाई में विराजमान था, एक बालक आया जो टेबल पकड़ के खड़ा होता था, इतनी उम्र थी उसकी। मैं लिख रहा था, उसने मेरी कलम छीन ली और रख दी और कहा आशीर्वाद। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, फिर कलम उठाई और लिखने लगा, तो उसने मेरी तरफ देखा, छीनी कलम रख दी, फिर कहा, फिर मैंने कलम उठाई, लिखना प्रारंभ किया, तो फिर उसने कलम छीनी और कहा यह है पूर्व जन्म की स्मृति। दूसरा उदाहरण, नौगामा राजस्थान, बांसवाड़ा जिला, एक बालक जिसकी उम्र 5 और 6 वर्ष की है, वह अपने हाथ से ही खाना बनाता है, सब्जी काटता है, बनाता है, पानी लाता है नहा के शुद्ध कुएं से। माता जी को याद आएगा, हाँ, 5 साल का बालक, किसी के हाथ का दिया हुआ नहीं खाता। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उस बालक ने मुझसे कहा, मैं मुनि बन गया था और मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप फिर यहाँ जन्म लिया मैंने, उसको जाति स्मरण है। तो जो अपनी साधनाएं दिल से करते हैं, भूल बस कोई गलती होती तो वो स्मृति इनकी साथ चलती। इसीलिए अक्सर लोगों से कहता हूँ, धर्म में अगर पाप का मिलावट की तो धर्म बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और पाप में अगर तुमने धर्म की मिलावट की तो पाप कमज़ोर हो जाएगा। पूछो कैसे? आचार्य समुद्रवद ने बासपुज भगवान की स्तुति लिखते हुए कहा था, जहर की बूंद अगर सागर में गिर जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि समुद्र शक्तिशाली है। जहर माने पाप, और अगर पानी जहर में घोलने के काम आएगा तो जहर शक्तिशाली हो जाए। देखिए, बहुत विपरीत बात है। और वही अगर पानी पूरी ताकत से अगर उस जहर में जाएगा तो जहर खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ, पाप का प्राश्चित रोते रोते करो और पाप का त्याग हंसते हंसते करो। रोते रोते अगर आप प्राश्चित करेंगे
तो आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, और हंसते हंसते त्याग करेंगे तो आपको पाप की स्मृति नहीं, क्योंकि उसी के कारण सो रहे थे। तो पूछा कि स्मृति अगले भाव कैसे जाती है, तो जिनकी साधनाएं मजबूत होती हैं, त्याग पूर्ण हो जाता है, या जो अपनी साधना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो वो स्मृतियाँ सालती हैं, उनके साथ चली जाती हैं। इसलिए तीर्थंकर के साथ भवानुगामी अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि पूर्ण साधना करके आ रहे हैं, वो अवधि ज्ञान लेकर के आ रहे हैं। पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता आप लोगों को, कुछ भी याद नहीं, किसी को याद नहीं होगा। बसंत नहीं है ना बेटे यार, मेरा सवाल ही यही है कि अब पुनर्जन्म होता है। हाँ आया ना, कोई मानता नहीं पुनर्जन्म भी होता है। जितने भी रिश्ते बने हैं ये सब पुनर्जन्म के कारण से बने हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरा आपसे एक प्रश्न है, उत्तर दीजिए। आपका जब जन्म हुआ तो दौड़ना किसने सिखाया आपको, बोलना किसने सिखाया, रोना किसने सिखाया, पूर्व का संस्कार था। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो तीर्थंकर की क्या आवश्यकता थी, आवश्यकता नहीं थी, धर्म की आवश्यकता नहीं थी। हमारे वर्तमान के पुण्य और पाप भविष्य के लिए निकल जाते हैं, और अतीत के पुण्य पाप आज हमें सजा देने के लिए आते हैं। मैना सुंदर की घटना देख लो, सीता की घटनाएं देख लो, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका जन्म होता है अतीत की बातें करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी एक किताब पढ़ रहा था मैं जड़ भरत के संबंध में। ज्ञानी पुरुष, तत्व ज्ञानी, लेकिन वो हमेशा अज्ञानी की तरह जिया ताकि मुझे घमंड ना हो जाए। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन मेरे पास किताब भी रखी। अच्छा साधक वो साधना करने के लिए बैठा है और हिरणी बच्चे के साथ जा रही है कि एकदम अचानक शेर आ गया। हिरनी तो छलांग लगा गई, वो घायल हो गया बच्चा, लेकिन बच्चे को छोड़ वो दौड़ा हिरनी के पीछे। उतनी देर में भरत जड़ ने उस हिरण के बच्चे को, शावक को पकड़ लिया और उसे प्यार से साधु अवस्था में पालना प्रारंभ किया। बड़ा कोमल, एकदम मृदु, सुंदर, सुकुमार, उनका सारा समय ज्ञान ध्यान से उस हिरण के बच्चे में चला गया। जब भी वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो लगता है सी ना आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, इसको पकड़ ना ले, और उसकी समय के रहती। अब बता रहा हूँ पूर्व जन्म, अतीत का जन्म, उसको देखते उन्हें फिर एकदम से याद आता है कि पिछले जन्म में ये मेरा मित्र था, मेरे इसके साथ थी, इसलिए मेरा रागांश इसके साथ हुआ। फिर उस तरफ से कोई जानवर आता तो फिर बचाने के लिए दौड़ते, उसे पकड़ के बिठाते, और ऐसे ही करते करते उनकी आयु का बंद हुआ तो हिरण की पढ़ाई थी। ये रागांश है। पक्षी का पुनर्जन्म हुआ, वही भाषा बोलता अपने हिसाब से। गाय का जन्म हुआ, उसकी भाषा अलग है। नहीं तो एक ही भाषा में पैदा होते सब, पिछले जन्म के संस्कार नहीं होते तो।
तो पुनर्जन्म तो है, हम रोक नहीं सकते। साधना, तप, नियम, व्रत अगर आप ईमानदारी से पूर्ण करते हैं तो आपके ज्ञान के साथ वो ज्ञान चलता है। और एक बात आपसे कहूं, अगर उपसर्गों के समय आप विचलित नहीं होते, अपनी साधना में दृढ़ रहते हैं, तो यह सम्यक्त का मार्ग है और आप दूसरों को देख करके ईर्ष्या करते हैं तो ये मिथ्यात् का मार्ग है। मार्ग तो है, तो मार्ग नहीं होता तो आपका जन्म नहीं होता। इसलिए पुनर्जन्म में बहुत सारी बातें, समय की मर्यादा है, इसे ज़्यादा नहीं खींच सकता। सावधान, समाधान।